हाय डियर, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन यानी किसी को हम बधाई देते हैं। अब देखिए, या तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन, या फिर आपको अगर कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद आप प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हो तो उसके बाद उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उस टॉपिक को आपको बताना पड़ेगा जिसके बारे में आप उसे बधाई दे रहे हो। कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने यहाँ पे, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू जॉब, मतलब इस ऑन के बाद आपको लिखना पड़ेगा कि किस लिए आप बधाई दे रहे हो, मतलब आपकी नई जॉब के लिए, आपकी नई नौकरी के लिए आपको बधाई। इसी तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर बर्थडे, आपके जन्मदिन की आपको बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर वेडिंग, आपकी शादी की आपको बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन विनिंग द मैच, देखिए ऑन के बाद अगर वर्ब आता है तो आईएनजी फॉर्म में आता है, ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन विनिंग द मैच मतलब मैच जीतने के लिए आपको बधाई। और इसी तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू बेबी मतलब नए बच्चे के लिए आपको बधाई। तो इस तरह से अगर आप कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हो तो आपको उस टॉपिक को बताना पड़ेगा जिस विषय में आप उसको बधाई दे रहे हो, या फिर आप कंफ्यूज हो तो सीधा आप सिंपली बोलो, इस वर्ड से भी काम चल जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का यूज समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।